नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 26 फीट बाई 40 फीट में बनते हुए घर के लिए जो काम किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो कॉलम और बीम का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये बीम देख पा रहे हो और ये आप कॉलम देख पा रहे हो, इस घर के लिए जो भी कॉलम या फिर बीम का काम आप देख पा रहे हो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में रखा गया है, इजिली यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर लगा हुआ सरिया के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर 10 mm का चार सरिया के साथ में प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक जो बीम है उसका काम किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चलते हैं अब घर के अंदर और देखते हैं कि घर के अंदर में किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे डिज़ाइनिंग है उसके बारे में पहले समझिए। जैसे कि यहाँ पे एक रूम भी बना सकते हो या फिर आप दुकान भी बना सकते हो, इस तरीके से डिज़ाइनिंग यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर यहाँ पर अगर आप ब्रिकवर्क कर देते हो तो रूम का दरवाज़ा उधर हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप शटर लगा देते हो सामने की तरफ तो फिर ये आपका दुकान बन जाएगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो इस जगह को। तो चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो यहाँ पे मेन गेट आ जाएगा। आप चाहो तो इस जगह को पार्किंग एरिया या फिर हॉल या फिर वेटिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा ये घर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गया, इसके साथ यहाँ पर इस रूम के लिए दरवाज़ा आप देख पा रहे हो। चलिए थोड़ा अंदर से आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो पहला रूम आपने देखा था यहाँ से, तो अगर रूम बनाना है तो यहाँ से आपका दरवाज़ा है वो हो जाएगा। अगर आपको इसको दुकान रखना है तो देखिए कुछ इस तरीके से उधर खाली है, सामने की तरफ खाली है, वहाँ पे शटर गेट आप लगवा सकते हो। अगर रूम रखना है तो वहाँ पे आप ब्रिक वर्क भी कर सकते हो, इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो आप इसे अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। तो घुसने के साथ ही आपको हॉल मिला था, उसके जस्ट बगल में आपको रूम या फिर दुकान आप इसे बोल सकते हो। थोड़ा और आगे चलते हैं इस घर के लिए, तो यहाँ पर लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक जगह का आपको मिल जाता है इस घर के लिए दरवाज़ा। और जैसे ही घर के आगे बढ़ते हो तो आपको इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। देखिए, ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक एग्जिट डोर भी रखा गया है आपातकालीन स्थिति में निकलने के लिए, इजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का साइड की तरफ यहाँ पे एक दरवाज़ा है वो छोड़ा गया है, उसके लिए जगह। उसके साथ एक वहाँ विंडो और उसके साथ साथ एक वहाँ विंडो, ताकि ये जो बड़ा हॉल और डाइनिंग एरिया है यहाँ पर लाइट और उसके साथ साथ हवा आपको मिलता रहे, अच्छा यहाँ पे माहौल है वो बना रहे, उसके लिए यहाँ पे बड़ा साइज़ का डबल विंडो का प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे इस घर के लिए मिल जाता है आपको किचन और उसके साथ साथ एक रूम और देखने को मिलता है। ये जो आप जगह देख पा रहे हो ये इस घर के लिए किचन है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा किचन के बारे में भी समझ लीजिए, उसके साथ जो रूम है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये इस घर के लिए दूसरा रूम है, यहाँ पे विंडो का काम है वो किया जा रहा है, आसानी के साथ देख पा रहे हो। सारा बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है, अंदर का दीवार 5 इंची के साथ में यहाँ पर रखा गया है। किचन यहाँ पर एल स्लैब का किचन प्लेटफॉर्म के साथ में बनाया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से किचन प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है। लगभग 10 फीट बाई 8 फीट के आसपास तक का ये किचन है। इसके साथ यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक विंडो देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये जो रूम आपने देखा था उसका साइज़ 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का दो रूम का साइज़ निकाला गया है, इजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस घर के लिए जो भी अंदर का दीवार है सारा 5 इंची के लिए रखा गया है, देख सकते हो। बाहर का जो दीवार था वो 10 इंची के साथ रखा गया है, आप देख सकते हो। घर का अंदर का कॉलम और बाहर का कॉलम जो भी यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 12 कॉलम के साथ 12 कॉलम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच का, घुसने के साथ उधर हॉल मिल जाता है या फिर वेटिंग एरिया या फिर पार्किंग के लिए इस्तेमाल कीजिए आप। उसके साथ यहाँ पर हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ मिल गया किचन इस घर के लिए 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का ये रूम, और उसके जस्ट बगल में एक और 12 फीट बाई 13 फीट का रूम जिसे आप चाहो तो दुकान के लिए भी उपयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है आसानी के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लिंटल बीम से पहले तक का जो काम किया जाता है वो यहाँ पे किया जा चुका है, वहाँ तक लिंटल बीम तक कॉलम का कास्टिंग भी कर लिया गया है। नीचे का जो सारा बीम है वो भी 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है। उसके साथ साथ कॉलम का भी काम आप देख पा रहे हो कि 10 इंची बाई 10 इंची के साथ है। नीचे का घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी नहीं किया गया है, मिट्टी डालकर मिट्टी का भराई करके कुछ दिन तक के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है।
आने वाले दिन जब इस घर का काम को आगे किया जाएगा, जैसे कि लिंटल का बीम का कास्टिंग किया जाएगा, नीचे का फर्श बनाया जाएगा, फिर छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर का काम किया जाएगा, तो सारा वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर इस घर को किस तरीके से कंप्लीट किया गया। अगर आपको इस बनते हुए घर से कुछ अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो पिछले कई वर्षों से मैं दिखाता आ रहा हूँ और आने वाला दिन में भी दिखाता रहूँगा। कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत सारा वीडियो देखने के लिए, अलग अलग साइज का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।